अपनी दिल्ली सबकी दिल्ली। श्री वैष्णो सेवा मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 74वां नवरात्रि महोत्सव वेडिंग बेल बैंकट हॉल झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में भव्य रूप से मनाया गया। इस मौके पर देश के प्रसिद्ध गायकों ने माँ भगवती का गुणगान किया। इस अवसर पर भारी संख्या में गणमान्य व्यक्तियों ने माँ के दरबार में पहुंचकर माँ भगवती का आशीर्वाद लिया। हमारे बिंदल साहब आ रहे हैं, मैं स्वागत करते हैं बिंदल साहब का, सुरेश बिंदल जी का। आइए मीठी मीठी तारी मिला लें सभी ने। किशन वाली माँ मेरे घर आई, घर आई मेरे घर आई। सामने जो कार्यक्रम देख रहे हैं बहुत ही भव्य है। श्री वैष्णो सेवा मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रधान आप सभी के सहयोग से मुझे बनाया गया है और वैष्णो सेवा मंडल के द्वारा पिछले 36 वर्षों से माता रानी की सेवा हेतु धार्मिक व सामाजिक सेवा हेतु कार्यक्रम करते आ रहे हैं, जिसके अंदर प्रमुख माता वैष्णो देवी जी का माता का नवरात्रि महोत्सव
जो कि साल में दो बार हम लोग मनाते हैं और इस बार 74वां कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली के जितने भी मंदिर हैं माता के, जिसमें प्रमुख झंडे वाला मंदिर, छतरपुर मंदिर और माँ कालका माई का मंदिर, इन सब मंदिरों में माता वैष्णो देवी और दिल्ली के मंदिरों में अपनी हम सेवा प्रदान करते हैं। और इसके अंतर्गत बस सेवा हम लोग प्रारंभ करते हैं जो भी यात्री होते हैं, और उन सब यात्रियों के लिए व्रत परिवार भी हमारे द्वारा दिया जाता है। और इस ट्रस्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और इन सब लोगों के जुड़ने के कारण इस संस्था का रूप बहुत बड़ा भव्य हो गया है। वैष्णो माता के मंदिर में हम लोग जो धर्मशाला बनाने जा रहे थे उसमें कुछ हमें अड़चन आई, तो उसके अंतर्गत हमें माता रानी की कृपा अब दोबारा हो गई है, जो कि धारा 370 हट गई है मोदी जी के द्वारा। तो मैं समझता हूँ जो कार्य हमारा निगम डल रहा था वो अब बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद सर आपका नेक्स्ट प्रोग्राम कब रहेगा? हमारा अगला कार्यक्रम 1 जनवरी नए साल में, जो कि हम झंडे वाला मंदिर या छतरपुर मंदिर या कालका जी मंदिर, तीनों में से किसी मंदिर में माता को बहुत श्रृंगार अर्पण करते हैं और विशाल भंडारा आयोजन लगाते हैं। तो इस बार आई थिंक छतरपुर मंदिर हम लोग प्लान कर रहे हैं 1 जनवरी के लिए, तो वहाँ पे अपने सभी भक्तजनों को हम आमंत्रित करेंगे और माता का विशाल भंडारा आयोजित करेंगे। ये बहुत खुशी की बात है कि हम, ये हमारा 37वां वर्ष है और 74वां हम शिव नवरात्र महोत्सव मना रहे हैं, अगली बार इसका प्लेनेट हम 75वां मनाएंगे बड़े धूमधाम से और अच्छे तरीके से। तो सर इस तरीके से आप और क्या क्या प्रोग्राम रखते हैं? हम पूरे नवरात्रों में भंडारे लगाते हैं, बस सेवा प्रोवाइड करते हैं, और गरीब लड़कियों का विवाह वगैरह भी हम लोग कराते रहते हैं, और गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी हम लोग हमारी संस्था कराती रहती है। तो सर आने वाला और आपका नेक्स्ट प्रोग्राम क्या रहेगा? बस माता रानी का जो आशीर्वाद होगा, जो आज्ञा होगी वो करते रहेंगे। वैसे वैष्णो देवी में धर्मशाला बनाने का भी हमारा विचार है, देखते हैं वो क्या होता है उस बारे में। मेरा नाम प्रवीण कुमार गुप्ता है। सर ये 74वां नवरात्रि महोत्सव जो मनाया जाए, हाँ जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये उत्सव हमारा मेन जो है इसका पर्पज ये है कि एक समाज में हम अच्छी संस्था खड़ी करें और समाज में अच्छा इसका, जैसे हमारी अभी काम चल रहा है, हम किताबें दे रहे हैं, हेल्थ में सेवा दे रहे हैं, नवरात्रों में भंडारा लगा रहे हैं, और पूरी दिल्ली में लोगों के 9 दिन पूरे मंदिरों में बसों की सेवा चलाते हैं, और किसी भी निर्धन व्यक्ति को अगर हमारे एजुकेशन के लिए या मेडिकल हेल्थ की ज़रूरत हो उसके लिए सपोर्ट करते हैं। और हम चाहते हैं अगले साल जो 75वां मनाएंगे हम, वो हमारा और बड़ा बने, बाकी सब हमारी माता की कृपा बनी रहे, माता का सहयोग बना रहे। धन्यवाद। मेरा नाम संजय बंसल है, मैं इसमें युवा संयोजक हूँ और आयोजन समिति का सदस्य हूँ। ये जो हम कर रहे हैं इसमें अभी हमने लगातार भंडारे करे हैं, और प्लस क्या कहते हैं बसें जो है हम वैष्णो माँ के दरबार में बसें भी लेके जा रहे हैं। ये 74वां वैष्णो मंडल है और हम अभी तक 37 कर चुके हैं। साल में 2 बार प्रोग्राम करते हैं, एक यहाँ पे होता है, एक अप्रैल में पीपी ज्वेलर्स पे होता है, प्लस नए साल में झंडे वाला या पिछले साल हमने कात्यानी मंदिर में करा था छतरपुर। नाम बताएं। दीपेंद्र सिंगल। सर ये जो 74वां नवरात्रि महोत्सव जो मनाया जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सब सतीश जी की कृपा है जी, पूरी मेहनत करते हैं सतीश जी इसमें 74वें, और सबको मुबारक हो। मैं अशोक बंसल, युवा महामंत्री वैष्णो सेवा मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट। सर ये जो 74वां नवरात्रि महोत्सव किया जा रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम मैक्सिमम दिल्ली के लोगों को माँ भगवती के चरणों के लिए और माँ भगवती के ध्यान के लिए कि लोग धर्म के प्रति अपनी आस्था रखें, आज बहुत ज़रूरी है लोगों को जागृत करना वैष्णो के बारे में, अपने धर्म के बारे में। एक ही उद्देश्य है कि लोग यहाँ पे आए, श्रद्धा भाव से यहाँ पे आए और माँ भगवती का आशीर्वाद प्रदान करें। सर ये कब का प्रोग्राम होता है? ये हमारा प्रोग्राम साल में 2 बार होता है, जब भी नवरात्रि स्टार्ट होती है, नवरात्रि समापन समारोह हम करते हैं यहाँ पे। पहला प्रोग्राम बड़ा होता है अक्टूबर का, और जो अपना अप्रैल में जो होता है वो हम भंडारा करते हैं पीपी ज्वेलर्स के बाद। और उसके अलावा में आप क्या कर रहे हैं? आज माँ भगवती का गुणगान है, और जो भी हमारे आयोजन समिति के सदस्य हैं उनका स्वागत है, और माँ भगवती का गुणगान करने के लिए कविता पोंडवाल जी आई हुई है बॉम्बे से, अपनी मधुर आवाज़ के द्वारा लोगों को जो है आनंदित करेंगे। मैं सी ए पवन जिंदल। सर आज जो है 74वां
जब नवरात्रि महोत्सव है उसके लिए आप क्या कहेंगे? सतीश गुप्ता जी का 74वें वर्षगांठ पर बहुत जो ये समारोह हो रहा है बहुत बढ़िया धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं काफ़ी तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो तो इतना बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं। आप सतीश अग्रवाल जी के लिए क्या बोलते हैं? काफ़ी अजी लगे रहते हैं सारे साथ, बहुत मेहनत करते हैं सबको जोड़ के रखा हुआ है, अच्छे बड़े बड़े ग्रुप्स को जोड़ रखा है, अच्छा काम है। तो आप उनके लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? चलता रहे जी ऐसे ही माता का दरबार और बढ़िया तरह से बड़े स्तर पर चलता रहे। मैं जी एन गुप्ता, अध्यक्ष मिशन रूरल इंडिया, माता वैष्णो देवी के दरबार में मेरा सत सत प्रणाम और सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि माता वैष्णो देवी सभी को आशीर्वाद दे और अपने चरणों में स्थान दे, इसी के साथ और सबकी मनोकामनाओं की पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंजू सिंगल, 74वां नवरात्रि महोत्सव जो आज यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है, आपको कैसा लगा यहाँ? मुझे यहाँ करके बहुत अच्छा लगा है और मैंने ये देखा है कि आज चाहे इंसान कितना भी व्यस्त है लेकिन अगर जब हम भगवान जी का नाम लेने की या माता रानी का नाम लेने की बात कहते हैं तो आप भीड़ देख करके समझ जाते हैं कि आज लोगों के अंदर कितना भक्ति भाव भरा हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। मैं देख रही हूँ कि सब लोग इतने मग्न होकर के भजनों का आनंद ले रहे हैं और कविता पौडवाल जी की आवाज़ तो वैसे वाकई में अपने आप में एक जिसे कहते हैं कि सराहनीय है, इनके लिए कुछ शब्द नहीं है मेरे पास। आप सतीश अग्रवाल जी के लिए क्या कहेंगे? सतीश अग्रवाल जी का जो नेचर है वो सबको बांध कर चलने वाला है। आज अगर वो मतलब एक एक बंदे को उनके घर जाकर के इनविटेशन देते हैं कि जिससे उन्हें मजबूरन आना भी पड़ता है और वो यहाँ आकर के अच्छा भी लगता है उनको। आपको इस कार्यक्रम में सबसे अच्छा क्या लगा? मुझे इस कार्यक्रम में एक तो ये जगह बहुत अच्छी है जहाँ पर यह कार्यक्रम हो रहा है और ऊपर से ये कविता जी की आवाज़ और यहाँ का जो आयोजन है वो बहुत ही सराहनीय है। हमारे बीच में कविता पौडवाल जी का गाने कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छी, उनके लिए तो मैं कहती हूँ कि कुछ भी बोलना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। पहले तो आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम रितुल अग्रवाल है। आज जो 74वां नवरात्रि महोत्सव जो हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, ये देखिए कि हमारा हर साल की तरह इस बार भी नवरात्रि महोत्सव बहुत ही धूमधाम से हो रहा है और बहुत ही खुशी मिलती है मेरे को कि हम जब भी ऐसे हर साल ऐसा फंक्शन करते हैं हम लोग और लाखों की तादाद में लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत भीड़ इकट्ठी होती है, माता के दर्शन के लिए आते हैं लोग और भक्ति का कुछ स्टोर है मिलता है लोगों को इस यहाँ पे आने से, बहुत ज़्यादा मतलब शांति मिलती है मेरे को यहाँ बैठ के थोड़ी देर। मेरे पिताजी ये जब वो 16 साल के थे तब से करते आ रहे हैं वो और तब से आज तक मतलब कि इसकी गरिमा बनाए रखी है हम लोगों ने और बहुत अच्छा फील होता है हम लोगों को ये सब करके। रोज़ हम लोगों को मतलब बहुत हम बहुत टाइम से लगे हुए हैं इस काम की तैयारी में और मतलब ये होता है कि थकान होती है बट फिर थकान इस सब के आगे बिल्कुल सब खत्म हो जाती है हमारी। हम रोज़ मतलब आज भी हम सुबह 4 बजे से हम लोग काम करने में लगे हुए हैं तो बहुत खुशी मिलती है हम लोगों को सारे काम करके और बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा फंक्शन करते हैं हम लोग। मैं रामबा गुप्ता, प्रमुख समाज सेवी पंजाबी बाग से, जय माता दी। आप सभी को यहाँ पर नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सतीश जी ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, इसमें बहुत दूर दूर से भक्तजन आते हैं और माता आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें। हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।